आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे छोले भटूरे खाने के लिए, आ जाओ जल्दी जल्दी चले आओ। मोदी जी, दूसरे लोगों को तो बुला रहे हो, हम इतनी देर से बैठे पड़े हैं, हमें तो एक प्लेट छोले भटूरे दे दो। वो देखो लालू जी छोले भटूरे की एक प्लेट खा रहे हैं, वो तो मुझसे बाद में आए थे, आपने उन्हें पहले दे दिए छोले भटूरे। राहुल, तुम अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी मुझसे बार बार पूछती हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए लालू जी को छोले भटूरे खाकर कोयले की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना है, और तुम तो पूरा दिन यहाँ पे बैठे ही रहोगे, तो तुम्हें अभी मैं छोले भटूरे खिला दूंगा। लेकिन मोदी जी, आप भी छोले भटूरे के प्लेट के रेट ऐसे बढ़ा रहे हो जैसे लौकी तुरई रोज बढ़ती है। कहाँ योगी जी, मैंने ज्यादा रेट कहाँ बढ़ाए, एक महीने में 3 ही बार तो प्लेट के रेट बढ़ाए। जब मैं सस्ती छोले भटूरे की प्लेट बेचता था तो उस टाइम तो आप लोग कुछ नहीं बोलते थे, अब मैंने थोड़े रेट बढ़ा दिए तो आपको दिक्कत हो रही है। अरे पहले मैं 1 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट बेचता था, और आज मैंने महंगाई को देखते हुए छोले भटूरे की एक प्लेट का रेट 15 रुपए कर दिया है। अरे मेरी एक प्लेट छोले भटूरे की प्लेट के लिए 15 रुपए कोई माई बाप थोड़ी है। मेरी एक प्लेट छोले भटूरे की जो खा लेता है उसे पूरे दिन तक भूख नहीं लगती है। लेकिन मोदी जी, आपके ये भटूरे चिकने ही युक्त बहुत होते हैं, गैस बहुत बनाते हैं। मन तो मेरा 2 प्लेट खाने को करता है, लेकिन मैं 1 ही प्लेट खाता हूँ, क्योंकि ज्यादा खाने से गैस बनने लगती है पेट में। तेल का कम इस्तेमाल किया करो। लानू जी ये बताओ, तेल का कम इस्तेमाल कैसे हो जाएगा? इस भटूरे को मैं तेल से भरी कढ़ाई में ही तो तलूंगा, पानी में थोड़ी तल दूंगा इस भटूरे को, ये बताओ। अरे मोदी जी, 1 प्लेट छोले भटूरे दे रहे हो, या केजरीवाल के यहाँ पर जाऊँ छोले भटूरे खाने के लिए? राहुल, तुम यहाँ से जाने की बात मत किया करो। अरे केजरीवाल के छोले भटूरे इतने अच्छे थोड़ी होते हैं जितने अच्छे मेरे होते हैं। और ये देखो भटूरा निकल चुका कढ़ाई में से, अब तुम्ही को देता हूँ 1 प्लेट लगाकर। मोदी जी, मैं तो आपके छोले के स्वाद के लिए आता हूँ, आपके छोले का स्वाद बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा स्वाद तो किसी शादी पार्टी के छोले का भी नहीं होता है। वैसे मोदी जी, आप रोड पर छोले भटूरे की दुकान लगाकर बैठती हो, एक दुकान ले लो किराए पर, काफी बिक्री होगी। अरे योगी जी, 500 रुपए महीना से कम में तो दुकान मिलेगी नहीं, और यहाँ पर रोड पर मैं आराम से दिन भर में 1000 रुपए की कमाई कर लेता हूँ, मुझे दुकान की जरूरत नहीं है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, खाओ दम बिरयानी को खाओ। सोनिया जी, आप भी हल्के हल्के खा रही हैं। ममता दीदी खाओ। सोनिया जी, आपने पत्तल पर दम बिरयानी नहीं रखी, आप तो प्लेट में खा रही हैं दम बिरयानी। मैंने अपने हाथ से ये दम बिरयानी बनाई है, खाओ बताओ कैसी है। अरे मोदी जी, आपकी इस दम बिरयानी में नमक नहीं है, नमक क्यों नहीं है बताओ। मोदी जी, ये कैसी दम बिरयानी है, मीठी मीठी सी लग रही है, नमक क्यों नहीं है इसमें। राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो मीठी दम बिरयानी है। मीठी दम बिरयानी है, कैसी बात करती हो सोनिया जी। अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया योगी जी, नमक का डिब्बा और पिसी हुई चीनी का डिब्बा है पास पास में रखा हुआ है, नमक की जगह कहीं चीनी तो नहीं डल गई इस दम बिरयानी में। लगता मुझे मोदी जी ऐसी रहा है, बिल्कुल ये मीठी मीठी दम बिरयानी है, ऐसा लग रहा है जैसे मीठे चावल खाते हो हम। आपने इस दम बिरयानी में नमक की जगह चीनी डाल दी, पिसी हुई चीनी, पिसी हुई शक्कर। लेकिन सोनिया जी, योगी जी, राहुल, मैं बता नहीं सकता मैंने इस दम बिरयानी को कितने दम से बनाया था। इसको बनाने में मैंने पूरा दम लगा दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि नमक की जगह पर दम बिरयानी में चीनी डल जाएगी। मोदी जी, इतनी दूर आना हमारा सब बेकार हो गया। अरे मैं 50 किलोमीटर दूर से आपकी दम बिरयानी की दावत खाने के लिए आई थी, आपने मुझे बिरयानी की जगह पर ये मीठे चावल परोस दिए। ममता दीदी नाराज मत हो, अब जो हो गया सो हो गया, इस मीठे चावल को अब ये जो दही रखा है दही के साथ मिलाकर खा लो। सोनिया दीदी, मुझे ऐसा लगता है इन मोदी जी ने जानबूझकर नमक की जगह चीनी डाली है इस दम बिरयानी में, कि हम ज्यादा इनकी दम बिरयानी ना खाने। मायावती जी, ये बेवजह का आरोप आप मुझ पे लगा रही हो। ये बताओ तुम, अगर मुझे तुम सब लोगों को दावत खिलाना नहीं होती तो मैं इतना खर्चा क्यों करता। मैंने इस दम बिरयानी को बनाने में लागत तो पूरी दी है, अच्छा पैसा लगाया है, अब नमक की जगह चीनी डल गई, इसमें शक्कर डल गई, तो मैं क्या करूं। असल में दोनों डिब्बे पास पास में रखे हुए थे चीनी के और नमक के, पता ही नहीं चला कैसे नमक की जगह चीनी डल गई इस दम बिरयानी में। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।